आपने किसी ऐसी चीज में बात करेंगे ना जो आपसे रिलेटेड नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, वहां पे हमेशा आप एक गुनाह करेंगे। या तो आप गीबत करेंगे, या आप इल्जाम लगाएंगे, या फिर आप अपने दिल के अंदर बदगुमानियां पैदा कर लेंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। या फिर इसके एक और भी रह सकते हैं कि इंसान को चाहिए अपनी फील्ड में काम करे, कि डॉक्टर्स को चाहिए अपनी फील्ड में, उलमा को चाहिए अपनी फील्ड में, इंजीनियर्स को चाहिए अपनी फील्ड में, बिजनेसमैन को चाहिए अपनी फील्ड में। जब आप अपने से नॉन रेलेवेंट जगह पे बोलेंगे ना, वहां पे आप फसाद क्रिएट करेंगे हमेशा। दूसरों के मामलों में जो रेलेवेंट नहीं है उसमें बोलना, वो कहते हैं ना, एक बच्चा था चॉकलेट खा रहा था, तो सामने वाले ने बोला, भाई आप चॉकलेट क्यों खा रहे, ना खाएं चॉकलेट आप। उसने बोला, पता है मेरे दादा जो थे वो 105 साल जिंदा रहे, 105 साल। उन्होंने बोला, क्यों चॉकलेट खाते थे? उन्होंने कहा, नहीं, अपने काम से काम रखते थे। हर किसी के मामलात में जो है ना, वो बोलना, वो क्या फोकस करें अपने काम पे, अपने ऊपर, अपनी प्रोडक्टिविटी पे, अपने दीन पे। हमें दूसरों का दीन बड़ा खलता है कि जी फलां जो है ना वो बंदा नमाजें नहीं पढ़ता। अच्छा भाई, नमाज की उसको उससे बात कर लेते और उसको नसीहत कर लेते, या फिर उसके लिए दुआ कर लो, यही कर सकते हो। अभी क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दें उसको। फला आज माशरा बड़ा खराब हो गया है, मैं उसको भी देखा, वो भी एक काम कर रहा था, फिर की बात। ये जो आप सबने कहा ना, जबान, अक्सर लोग जो है अपनी जबानों के की वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे, यही मसला है कि जबान इस्तेमाल करना उन मामलात में जहां पे आपका लेना देना नहीं है। कौन कहां जा रहा है, कौन कब आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, छोड़ दें इसको। आप समझा सकते हैं तो पर्सनल जाके उसको समझा दें प्राइवेटली, या फिर अगर नहीं कर सकते, नहीं समझता, दुआ कर लें, वो भी प्राइवेटली। पता चला ऐलानिया मस्जिद में दुआ कर दी, अल्लाह ताला फलां के बच्चे को हिदायत दे, माशा के अंदर इतनी खराबियां उसने पैदा कर दी है। दुआ भी ऐलानिया नहीं, प्राइवेटली। हमने क्या है कि अगर जब आप दूसरों के मामलात में बोलेंगे, फसाद ही हमेशा करेंगे। आपने सुलह करानी है दो लोगों के बीच में। कभी कभी दो लोग हल्की लड़ाई कर रहे होते हैं, कोल्ड वॉर चल रही होती है। एक भाई साहब आएंगे लंबी दाढ़ी वाले सुलह कराने के लिए, अल्लाह अल्लाह करते हुए पूरी लड़ाई करा के जाएंगे। भाई आप में टेम्परमेंट नहीं है, आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं, फसाद और क्रिएट करके आ गए। आप अपने अपनी हैसियत, अपनी क्वालिटीज, अपनी स्किल्स के मुताबिक एक चीज को इनिशिएट करें, ना कि जी खाली दीन को इस्तेमाल करते हुए, नहीं मैं इस चीज पे भी हाथ डाल दूं, मैं ये भी काम कर लूं, मैं वो भी कर लूं। ठीक है, तर्क हु माला, यानी वो जो आपसे लेना देना नहीं है, जिससे आप जो है आपको कोई फायदा नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव चीजें से बचना, वो भी इसके अंदर आ जाएगा।